गुरुवाणी को निज दोहराऊं, गुरु की महिमा नित नित गाऊं। मोहे मिले चाकरी गुरु सेवा की, गुरु को पूछ के मैं तर जाऊं। गुरु चरणों में सादर नमन करते हुए आप सबको जय जिनेन्द्र। मैं मोना बिरला आपकी इस पावन सफर की साथी आप सबका भांडवपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रतिष्ठोत्सव के 11वें दिन दिनांक 15 फरवरी की खबरों से। महातीर्थ में मुमुक्षुओं के दीक्षा नियमित भव्य वर्षीदान बरघोड़ा, वर्धमान कुंवर का राज्याभिषेक एवं लोकांतिक देवों द्वारा दीक्षा विनंती। मुमुक्षु विमलाबेन देसाई को दीक्षा मुहूर्त प्रदान, होगी दीक्षा। श्री भांडवपुर महातीर्थ में तत्वत्रयी प्रतिष्ठोत्सव का आयोजन पुण्य सम्राट श्री जयंत सेन सुरेश्वर जी मरासा के पटधरद्वय गच्छाधिपति श्री नित्य सेन सुरेश्वर जी एवं भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी मरासा आदि विशाल श्रमण श्रमणी वृंद की शुभ निश्रा में विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के साथ दिनांक 5 फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। मीडिया प्रभारी कुलदीप प्रियदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रातः 8 बजे गुरु भगवंतों के सानिध्य में क्षत्रिय कुंड नगरी में साध्वी श्री परार्थ प्रिया श्री जी के 81वें आयंबिल एवं उनकी माताजी धर्म परायणा तपस्विनी श्रीमती गुणीबेन रमेश कुमार वोरा थराद सूरत के 500 आयंबिल के पारणा नियमित वोहरने पधारे। 8:30 बजे गच्छाधिपति श्री एवं आचार्य देव श्री बाजते गाजते मुमुक्षु के आवास चेन्नई भवन व एमवी अंदाणी भवन धर्मशाला में पगलिये एवं मुमुक्षुओं को वोहरने पधारे। पूज्य गुरु भगवंतों एवं सकल श्री संघ के साथ 10 बजे मुमुक्षु भव्या कुमारी अदानी, नीमाबेन देसाई, रवीना कुमारी सोलंकी तीनों मुमुक्षुओं का वर्षीदान का भव्य वर घोड़ा तीर्थ परिसर से 5 हाथी घोड़े सुसज्जित बग्गी बैंड की स्वर लहरियों के साथ विभिन्न प्रांतों की नृत्य मंडलियों के आकर्षक नृत्य के साथ प्रारंभ हुआ, जो भांडवपुर मुख्य मार्ग से होता हुआ श्री वर्धमान राजेंद्र माध्यमिक विद्यालय में पहुंचा। संपूर्ण मार्ग में मुमुक्षुओं ने मुक्त हाथों से वर्षीदान किया। विद्यालय में मुमुक्षुओं द्वारा दानशाला के माध्यम से अन्न और वस्त्र वितरण किया गया। हजारों की संख्या में सजे धजे श्रद्धालुओं ने वर घोड़े में उत्साह एवं उमंग के साथ संपूर्ण मार्ग को जय घोष से गुंजायमान कर दिया। श्री राजेंद्र जैन महिला परिषद की सदस्याओं ने जैन ध्वज लहराते हुए स्वागत किया। महोत्सव के 11वें दिन दिनांक 15 फरवरी 2024 को तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठा नियमित क्षत्रिय कुंड नगरी में गच्छाधिपति श्री नित्य सेन सुरेश्वर जी महाराज, भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी महाराज, विमल गच्छाधिपति आचार्य श्री प्रद्युम्न विमल सुरेश्वर जी महाराज, आचार्य श्री नरेंद्र सुरेश्वर जी महाराज आदि विशाल श्रमण श्रमणी वृंद की निचना में प्रभु का राज्याभिषेक एवं लोकांतिक देवों के द्वारा प्रभु से धर्म की स्थापना करने हेतु संयम की विनंती की गयी। प्रभु की बहन बनने का लाभ श्रीमती सकुदेवी साकलचंद जी हुकमानी पांथेड़ी ने लिया। श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी, श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट, श्री तत्वत्रयी प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के द्वारा आयोजित प्रतिष्ठोत्सव में आज गच्छाधिपति श्री नित्य सेन सुरी जी महाराज एवं आचार्य देव श्री जयरत्न सुरी जी महाराज द्वारा थराद निवासी मुमुक्षु विमलाबेन अरविंद भाई देसाई को दीक्षा मुहूर्त प्रदान किया गया। मुमुक्षु की दीक्षा 16 फरवरी 2024 को सामूहिक दीक्षा के अंतर्गत होगी। आज प्रातः प्रतिष्ठोत्सव में आचार्य श्री हेमेंद्र सुरेश्वर जी महाराज के शिष्य मुनिराज श्री चंद्र यश विजय जी महाराज आदि ठाना का पदार्पण तीर्थ परिसर में हुआ। तीर्थ परिसर में जिनालय आदि पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि करने का लाभ श्रीमती मोहन देवी सामलचंद जी बालगोता परिवार मैंगलवा ने लिया। मुमुक्षुओं ने भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि की। दोपहर में
श्री पंचतीर्थ पूजा शाह जुहार मलजी कीना जी संकलेचा मैंगलवा की ओर से संगीत की मधुर धुनों के साथ विधिकारक श्री चेतन जैन द्वारा पढ़ाई गई। प्रातः की नौकारसी शाह मांगीलाल जी अनाजी पालगोता चौहान राजनगर की ओर से, दोपहर की नवकारसी शाह लादा जी संकलेचा मैंगलवा एवं साय की नवकारसी शाह छोगा जी संकलेचा मैंगलवार की ओर से हुई। साय कुमार पाल महाराजा की आरती का लाभ श्रीमती मोहन देवी सावलचंद जी बालगोता मैंगलवा ने लिया। आयोजन में प्रभावना शाह बाबूलाल जी मानमल जी ओबानी पोषाना परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की चिताकर्षक अंगरचना शाह कैलाश कुमार मीठालाल जी ओबानी पोषाना एवं प्रभु भक्ति और रोशनी श्रीमती लसुदेवी पुखराज जी ओबानी पोषाना की ओर से की गई। प्रतिष्ठोत्सव में नाहर चिकित्सालय भीनमाल एवं डॉक्टर विपुल बम्ब झालोद वेयावच चिकित्सालय के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो ये था आज का विवरण। अब जाने से पहले एक बार नजर 12वें दिन पे होने वाले आयोजनों पर। महोत्सव 12वें दिन दिनांक 16 फरवरी 2024 को तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठा निमित्त भगवान का दिशा कल्याणक होगा तथा भव्य बरघोड़े का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हाथी घोड़ा बैंड ढोल नृत्य मंडली आदि विशेष आकर्षक के केंद्र होंगे। क्षत्रिय कुंड नगरी में सामूहिक चार मुमुक्षु की दीक्षा होगी। चैत्याभिषेक लाभार्थी परिवार द्वारा किया जाएगा। दोपहर में श्री भक्तामर महापूजन संगीत की मधुर स्वर लहरियों के साथ लाभार्थी परिवार द्वारा पढ़ाई जाएगी। प्रातः की नवकारसी, दोपहर की नवकारसी एवं साय की नवकारसी लाभार्थी परिवार की ओर से होगी। आयोजन में लाभार्थी परिवार की ओर से प्रभावना परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की नयनाभिराम अंगरचना एवं प्रभु भक्ति और रोशनी भी होगी। यह सतगुरु उपदेश है जो माने प्रतीत, कर्म भ्रम सब त्याग के चले सुभव जल जीत। तो आज का हमारा सफर यहीं तक। तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी मरासा की प्रेरणा से चल रहे भांडापुर यूट्यूब चैनल पर एक्मे आईटी सॉल्यूशन जोधपुर के कोऑर्डिनेशन में नाकोड़ा स्टूडियो भीनमाल के वीडियो फुटेज के साथ मैं मोना बिरला आज के लिए लेती हूँ आपसे इजाजत। हम कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा नई उमंग और नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए भांडापुर यूट्यूब चैनल के साथ और देखना ना भूलिए तीर्थ के लाइव प्रोग्राम। जय जिनेंद्र।